हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। मैं विनीता मौर्य आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी रसोई में भरवा शिमला मिर्च की कलौंजी। यह कलौंजी मैं आपको आज आसान तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक लाल बटन होगा, उसको क्लिक करिएगा। उसके बाद घंटी आएगी, घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। शिमला मिर्च की भरवा कलौंजी बनाने के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी ये मैं आपको पहले बताऊँगी। सबसे पहले तो मैंने 4 शिमला मिर्च ले रखा है। शिमला मिर्च को मैंने धोकर इसके पानी को सुखा दिया है। फिर हमें चाहिए नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इसमें धनिया पाउडर भी मिला हुआ है, खड़ा जीरा, फिर बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया, बेसन, सरसों का तेल और ये 4 उबले हुए आलू हैं, इसको मैंने मैश कर लिया है। फिर सबसे पहले तो हम ये शिमला मिर्च को जो है काट कर इसके अंदर के भाग को हम साफ़ कर लेंगे। फिर हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। पहले हम शिमला मिर्च को काट लेते हैं। सबसे पहले तो हम शिमला मिर्च को इस तरह से 2 भागों में कट कर लेंगे। इसका ये जो पीछे का भाग है इसको हम निकाल देंगे चाकू से, इस तरह से इसका भी निकाल देंगे। फिर हम इसको ये इसका जो अंदर का ये भाग है इसको हम साफ कर लेंगे चाकू से। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी साफ कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी साफ कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के शिमला मिर्च भी काट कर उसके अंदर के भाग को हम साफ कर लेंगे। ये हमने अपने सारे शिमला मिर्च को साफ कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, अब हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च और धनिया, जीरा, जीरा मैंने आधा चम्मच डाला है इसमें, गरम मसाला, गरम मसाला इसमें मैं आधा चम्मच के लगभग डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर ये भी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने अपना आलू का मसाला तैयार कर लिया है। अब मैं बेसन को भी घोल लूंगी। ये हमने बेसन लिया है, 3 चम्मच के लगभग बेसन है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करूंगी। हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है। ये हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे हम क्योंकि हमारे मसाले में नमक पड़ा हुआ है। ये हो गया है हमारा। अब हम इस शिमला मिर्च में इस मसाले को हम भर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी के शिमला मिर्च में भी इस आलू को हम भर लेंगे। शिमला मिर्च में हमने आलू को भर लिया है। अब मैं इसके ऊपर से ये बेसन का जो घोल तैयार किया है इसको लगा दूंगी इस तरह से। इसी तरह से हम अपने बाकी के शिमला मिर्च में भी इस घोल को लगा देंगे। ये हमने शिमला मिर्च में बेसन को लगा लिया है। अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ।
कढ़ाई को हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल मैं इसमें 4 चम्मच डालूँगी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च को इस तरह से रख दूंगी। इसी तरह से हम बाकी के शिमला मिर्च को भी रख दें। शिमला मिर्च को हमने इसमें रख दिया है कढ़ाई में। अब मैं इसको ढक दूंगी इस तरह से। मैं इसको 5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी धीमी आंच में। ढक्कन को हटाकर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी शिमला मिर्च पकी है या नहीं। शिमला मिर्च देखिए हमारी गल चुकी है। मैं इसको चम्मच से इस तरह से देखिए पलट दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो चिमटे से भी कर सकते हैं। मैं इसको चम्मच से कर रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से हम अपने बाकी के शिमला मिर्च भी पलट देंगे। ये हमने सारे शिमला मिर्च को पलट दिया है। अब मैं इसको खोल के ही पकाऊंगी, ढक्के में नहीं पकाना। इसको हम थोड़ा तेज़ आंच में पकाएंगे। कलौंजी हमारी एक तरफ से हो चुकी है। अभी मैं इसको एक बार फिर से पलट देती हूँ इस तरह से। कलौंजी हमारी हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं शिमला मिर्च की कलौंजी को इस प्याले में सर्व करूँगी खाने के लिए। इसी तरह से हम बाकी की कलौंजी भी निकाल लेंगे। शिमला मिर्च की कलौंजी को मैंने इस प्याले में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट कलौंजी बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको क्लिक करिएगा। घंटी आएगी, घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपडेट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।